हेलो गाइस, मेरा नाम स्वागत और गाइस स्काई शॉट तो हम सब लोग जाना है, बट आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सुंदर स्काई शॉट बना करते हूँ जो बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यूज कर रहा हूँ पेपर पाइप और उसके बाद ले लिया मुल्तानी मिट्टी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी इस पेपर के अंदर डाल दूंगा और डालने के बाद एक लकड़ी की मदद से इसे अच्छे से ठोक दूंगा जिसे नीचे से बंद हो जाए। तो ये देख सकते हो ये बंद भी हो गया। और अब चाहिए सुतली बम का थोड़ा सा बारूद, तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे सुतली बम ले लिया और पहले इसका जो फ्यूज़ है फ्यूज़ को खोल लूँगा। और गाइस, खोलने के बाद इसी बम को काट के इसका अंदर जो बारूद रहता है बारूद को निकाल लूंगा। मैं एक एक करके बम को काट देता हूँ। और बारूद को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे बारूद जमा हो गया। और अब गाइस पाइप को फिर से ले लिया। अब गाइस यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मुल्तानी मिट्टी कितना दूर तक भरा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे एक थोड़ा सा होल कर दूंगा फ्यूज़ को लगाने के लिए। तो होल मैंने कर दिया है और यहाँ पे फ्यूज़ को लगा देता हूँ। और गाइस बम का जो बारूद अलग करके रखा था वो यहाँ पे धीरे धीरे करके डाल दूंगा। और यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बारूद जो मैं भर रहा हूँ बारूद फ्यूज का ऊपर तक भरा होना चाहिए तभी ये कम करेगा। ओके गाइस, और यहाँ पे अब ले लिया एक चटर पटर यानी कोई भी किटकैट भी बोलते हैं, किटकैट क्रैकर्स। तो गाइस इसे इसके अंदर अच्छे से डाल दूंगा। और गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे लूज हो रहा है, लूज होगा तो कुछ भी कम नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ले लिया डबल साइडेड टेप। और गाइस टेप को इसके ऊपर लपेट दूंगा कुछ इसी तरह से। और गाइस लपेट देने से क्या होगा, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और गाइस मोटा होने से पाइप के अंदर अच्छे से फिट भी हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा पाइप के हिसाब से कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे और भी एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो किटकैट क्रैकर्स मैं डाल रहा हूँ इसे ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, एकदम पाइप के अंदर सेम फिट होना चाहिए तभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और गाइस आप यूज़ कर रहे हो एक रोल कैप, और गाइस इसके अंदर कोई भी रोल कैप नहीं है, हमको सिर्फ इस पेपर को चाहिए था तो ले लिया। और गाइस पेपर का बीचों बीच मैं एक छोटा सा होल कर दूंगा और होल करने के बाद पाइप के अंदर इसको थोड़ा सा डाल दूंगा, देख सकते हो। और उसके बाद किटकैट क्रैकर्स को इसके अंदर अच्छे से डाल दूंगा। और गाइस यहाँ पे मैं और भी एक बात बता देता हूँ, पहले मैं जो बारूद डाला था बम का जो मैं बारूद डाला था उसके साथ ये जो किटकैट क्रैकर्स अब डाल रहा हूँ इसी फ्यूज के साथ दोनों एकदम टच होना चाहिए तब ये अच्छे से काम करेगा। ओके गाइस, सो गाइस स्काई शॉट एकदम रेडी हो गया। और इसे और भी अच्छा देखने के लिए यहाँ पे एक डिजाइन पेपर ले लिया और इसको ग्लू की मदद से इसके ऊपर अच्छे से जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद गाइस इसे बहुत ही शानदार लग रहा है। और गाइस यहाँ पे अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरा होने के बाद मैं ये पटाखा जलने वाला हूँ, तो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस अंधेरा हो गया और यहाँ पे मैं दोनों पटाखा रेडी किया, तो पहले इसको जलाते हैं देखते हुए कैसे वर्क करता है। सो गाइस पाइप पूरा फट गए और दूसरा ट्राई करते हैं, देखता हूँ ये कैसा काम करता है। तो जल जा मेरा भाई। तो गाइस जल गया।
तो गाइस पहला जो स्काई शॉट था उसका पाइप पूरा फट गया है, इसी वजह से वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए। और सेकंड वाला जो स्काई शॉट था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया, देख सकते हो ये पाइप नहीं फटा है। और गाइस यही मैं बोल रहा था कि किटकैट क्रैकर्स जो अंदर डाल रहा था वो ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए जैसे ऊपर उठ पाए। गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद है तो लाइक करना, कमेंट भी करना और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, क्योंकि इस तरह का वीडियो इसमें आती रहती है। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। Oh, 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 oh